श्री राम समर्थ जुलाई 12। सदगुरु जैसा कहे वैसा बर्ताव करे। शुद्ध भावना यानी बदले में न लेने की या फलाशा छोड़ने की इच्छा। भक्ति भी ऐसी निरपेक्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि देवालय बनवाएं, भगवान का पूजन अर्चन किया तो भक्ति निरपेक्ष हो गई। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भगवान की सेवा करते हुए, जप करते हुए कुछ प्राप्त हो। तुम सब लोग भजन पूजन जरूर करते हो, लेकिन यह सब ऐसा हो गया है जैसे शास्त्र में बर्तन कहाँ रखे, आचमनी ताम्र पात्र कहाँ रखे, यह सब जो लिखा होता है वैसा आदमी मुंह से कहता जाता है और करता जाता है, क्योंकि वैसा करने से पूजा करना सरल होता है। हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वह केवल इसलिए कि वह हमारे घर की प्रथा है, इसलिए नहीं कि भगवान हमें प्रिय हैं। एक लड़का था, उसे उसके पिताजी के पत्र आया करते थे। वह पत्र पढ़ता और पूजा घर में रख देता। दूसरा पत्र आता तो उसे पढ़ता और पिछला पत्र अलग कर देता। एक बार उसके पिताजी ने 25 रुपये मंगाए। लड़के ने पत्र पढ़ा और सदा के अनुसार पूजा घर में रख दिया। फिर कुछ दिन बाद पिताजी की ओर से एक सज्जन आए और उससे बोले, तुझे अपने पिताजी का पत्र मिला या नहीं? वह बोला, हाँ मिला था। अरे तो फिर पैसे क्यों नहीं भेजे? उस सज्जन ने पूछा। उस पर वह बोला, ओहो देखिए, बस यही करना रह गया। तो ऐसा हमारा भी होता है। हम कृति करते हैं, पूज्य भाव यदि रखते हैं, किंतु सद्गुरु का कहा मात्र नहीं मानते। इसलिए हमारे सत्कर्म हमारा अहंकार कम करने का कारण नहीं बनते, उल्टे हमारा अहम भाव बढ़ाने में सहायक होते हैं। अतः सद्गुरु का बताया हुआ साधन ही हम प्राणी मात्र के साथ संशय रहित होकर करें। अतः सद्गुरु का बताया हुआ साधन ही हम प्रामाणिकता के साथ संशय रहित होकर करें। इसके लिए व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हम व्यवहार को न छोड़े, किंतु व्यवहार में उलझना भी नहीं चाहिए। युद्ध में सारथी के हाथ में सब कुछ होता है। वह लगाम हाथ में लिए सावधानी के साथ खड़ा रहता है और जहां उचित समझता है वहां ले जाकर रथ को खड़ा करता है। युद्ध में लड़ने वाले का काम केवल बाण अचूक दिशा में अथवा व्यक्ति पर छोड़ना होता है। वैसे ही अपना समस्त जीवन एक बार सद्गुरु के अधिकार में दे देने के बाद फिर वे जैसा कहे वैसा व्यवहार करे, यही हमारा कर्तव्य होता है। यह ध्यान में रखे कि जिसने संसार से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी, उसका तेज, उसका प्रभाव सबको मानना ही पड़ेगा। रुपया उठाने पर दोनों बाजुएं एक साथ अपने हाथ में आती हैं। उसी प्रकार हम जब गृहस्थी शुरू करते हैं तब हमें परमार्थ की आवश्यकता होगी ही। परमार्थ में भगवान की जरूरत होती ही है। यह भगवान की जरूरत सद्गुरु हमें उसका नाम देकर पूर्ण करते हैं। हमें यह नाम श्रद्धा और अखंडता से लेना चाहिए। इस प्रकार हम निरंतर नामस्मरण करते रहे तो परमार्थ सदता है। भगवान के लिए हम में पैदा हुई इच्छा कुछ मात्रा में पूर्ण होती है। गृहस्थी में समाधान होता है और जन्म सार्थक होता है। आज का मुख्य विचार, गुरु के प्रति विश्वास रखकर लगन और प्रेम से नामस्मरण करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।